बटोत जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने संदिग्ध शराब तस्करों को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब फैक्ट्री में मेथनॉल की आपूर्ति की जा रही थी। ये केमिकल अहमदाबाद से सीधे सप्लाई किया जाता है। घटना को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री विनु मोरदिया ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, जहरीली शराब की यह घटना बोटाद जिले के रोजित गांव की है। रविवार 24 जुलाई की देर रात गांव के कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी ली थी। सोमवार सुबह सभी के पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी। यही देख सभी के परिवार के लोग उन्हें अस्पताल में ले गए। दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। आज सुबह के आंकड़ा 23 लोगों तक पहुंच चुका है। 40 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात सरकार भी सकते में है कि आखिर ये शराब आई कहां से। सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने डीएसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच सौंपी है। एसआईटी की शुरुआती जांच में पता चला कि गुजरात के 8 गांव इस जहरीली शराब की चपेट में हैं। तो लोगों की मौत हो रही है और गंभीर लोग हैं जिनकी हालत अभी सुधार में नहीं है। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये सरकार जो आज कह रही है कि शराब आई कहां से, जबकि पूर्णबंदी जो है लगभग 68 साल से गुजरात में शराब पर पाबंदी है, उसके बावजूद वहां के सरकार कहती है कि शराब आखिर आई कहां से। वहीं का एक मामला है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष एक दिन शराब पीकर वहां के प्रोग्राम में पहुंच गए। जब ये कांग्रेस के नेता ने इसको वायरल किया तो उस जिला अध्यक्ष का इस्तीफा लेना पड़ा और जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया भी। गुजरात में साल के अंत तक चुनाव होने की पूरी संभावना है। केजरीवाल ने इस घटना पर चुटकी लेते हुए आरोप लगाया है गुजरात सरकार पे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा कि शराबबंदी होने के बाद भी राज्य में जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने इस बात की जांच की भी मांग की है कि आखिर जो अवैध शराब जो बिकती है आखिर उसका पैसा जाता कहां है। ये केजरीवाल साहब ने तंज कसते हुए गुजरात सरकार पर आरोप लगाया है। तो विपक्ष का काम होता है तंज कसना, उस पर आरोप लगाना, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे गुजरात में संरक्षण मिला हुआ है ऐसे ही कई राज्यों में संरक्षण पूर्ण तरीके से है शराब को। देश के 10-11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन शराब बेचने का पूरा लाइसेंस है। उसमें दिल्ली भी आता है जिसमें मध्य प्रदेश सहित काफी स्टेट हैं जो इंडिया के जहां ऑनलाइन जो है शराब मंगवाई जाती है। और वही लोग जो है तंज कस रहे हैं दूसरे राज्य पर, अपने राज्य में भी देखे क्योंकि इनके राज्य में भी रोज शराब से मौत होती है। हर जगह शराब खुली बिक रही है। आप झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, आप हर जगह जाएंगे, वहां पर लोग युवा बुजुर्ग सभी जो है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है नशे की चपेट में है। कोई भी सुधार नहीं है, ना कोई एक्शन है, ना कोई सरकार का दबाव है, ना कोई गाइडलाइंस है। तो दूसरों पर दूसरे की तरफ एक उंगली करने से पहले लोग ये देख ले, सरकारें ये देख ले कि तीन उंगली उनकी तरफ भी होती है। गुजरात सरकार जो है ये जो काम कर रही है, ये जो झूठ पे झूठ बोल रही है कि उनको आखिर पता ही नहीं है कि शराब बिकती कहां से है। जब एक स्टेट का सीएम दूसरे स्टेट के सीएम पर आरोप लगाता है कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है माफियाओं को, तो दिल्ली में कैसे बिक रही है या और राज्यों में कैसे बिक रही है।
ये भी तो सोचने वाली बात है। तो खुद को भला साबित करना और दूसरे को बुरा साबित करना, मैं किसी की पक्षधर नहीं हूं ना, क्योंकि पत्रकार का काम होता है, रिपोर्टर का काम होता है, मीडिया का काम होता है आलोचना करना। हमारा काम है आलोचना करना, लोगों को आईना दिखाना, सरकार को आईना दिखाना। ये चंद जो मीडिया है ये आईना दिखाने का काम करते हैं, बाकी तो लोग सभी अपने व्यस्त हैं, वो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप भी देख सकते हैं, हर गुजरात की गलियां हो या चाहे दिल्ली की गलियां हो, चाहे मध्य प्रदेश की गलियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गलियां हो, चाहे बिहार की गलियां हो, हर जगह नशे का कारोबार बिल्कुल जोरों पर है। पंजाब भी पीछे नहीं है, हरियाणा भी पीछे नहीं है, हर जगह कारोबार बड़ा तेजी में चलता है, बड़े पैमाने पर चलता है। और इस पर लगाम लगाने वाला ना तो कोई पैदा हुआ है और ना शायद कोई पैदा होगा। तो इस घटना पर जागो समाज चैनल की ओर से संवेदना जाहिर करते हैं और सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसी के साथ चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।